हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पे इस वीडियो में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जो अपडेट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट, इनफैक्ट एनी ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आपका सिलेक्शन होगा 50 to 60,000 पर मंथ आपको मिल जाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो। चलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है कंप्लीट डिटेल्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना अगर आप इंटरेस्ट रखते हो। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की इस अपडेट के बारे में, क्या है क्वालिफिकेशन, पोस्ट, ये सारी चीजें देख लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, आपका कोई दोस्त है तो उसको भी आप बता सकते हो। हम डेली फ्रेशर्स की ही वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। बेल आइकन प्रेस इसलिए करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डेली 6 बजे हमारी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की, अपर डिविजन क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। कॉमर्स है, एनी ग्रेजुएट है, तो आप सारे के सारे एलिजिबल होंगे। वैसे आप में से जो प्राइवेट कंपनी में अच्छे पैकेज पे काम करना चाहते हो, भाई जॉब फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और उसमें भी अगर डोमेन स्विच करने की बात आ जाए तो आप सबको पता है कि हालत क्या होती है। इनफैक्ट अगर आप टॉप कंपनीज में काम करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन मैटर नहीं करती, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। यहाँ पे आपका रिज्यूमे कैसा है, एक्सपीरियंस आपका अगर पहले का है तो वो कैसा है, ये सारी चीज़ें भी। और इंटरव्यू में तो भाई बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे सार्थक की कुछ स्टोरी ऐसी है ना, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ, एक कैंडिडेट है जिसने बीकॉम किया हुआ है, फ्रेशर है, और उसने यहाँ पे ब्लू स्टेक्स में टेक जॉब ले ली है, तो कैसा लगेगा सुनने में? बीकॉम एंड टेक जॉब, वो भी ब्लू स्टेक में। तो यहाँ पे आपको मैं बात कर रहा हूँ सार्थक जोशी की। इन्होंने एग्जैक्टली यही किया हुआ है। कॉमर्स में पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ पे ब्लू स्टेक्स में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ली है। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना, वो यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल जॉब है। मतलब जो शौकीन होते हैं ना, वो यहाँ पे डूब जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती है ना, उनके लिए स्किल ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास स्किल है ना, तो क्वालिफिकेशन आपने क्या किया वो मैटर ही नहीं करता है। एंड देन यहाँ पे जो है, बहुत सारी कंपनीज जो है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इनका शौक होता है, कॉलेज भी सही है, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी किए, फिर भी वो यहाँ पे टॉप कंपनीज में नहीं जा पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सार्थक ने ये किया कैसे? भाई बचपन से इतना शौक था, बीकॉम किया, फिर भी यहाँ पे कोडिंग नहीं छोड़ी, इंटरेस्ट नहीं छोड़ा। अब इंटरेस्ट नहीं छोड़ा, फिर क्या होता है पता है? बीकॉम की वजह से कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। बट फॉर्चुनेटली सार्थक ने रीलेवल के थ्रू यहाँ पे रीलेवल की टेस्ट दी और टेक के अंदर, एंड 15 डेज के अंदर क्वालिफाई कर लिया, एंड 15 डेज के अंदर उनकी जॉब लग गई। सो यहाँ पे मेन कंक्लूजन ये आता है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी है, और घर पे बैठ के एक एग्जाम देके भी आप जॉब क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे रीलेवल आपको इस चीज़ में हेल्प करता है, और रीलेवल 200 से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाई अप कर चुका है जो रिक्रूट कर रही है रीलेवल के थ्रू, और यहाँ पे आपको टॉप कंपनीज मिल जाएगी। आपको बस एक टेस्ट देनी है, क्वालिफाई करना है, एंड 15 डेज में आपकी जॉब लग जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और इसकी कोई फीस नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो भाई लिंक है फ्रेशर्स, आप सबको मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप जाके रजिस्टर करो, एग्जाम दो, क्वालिफाई कर लो, एंड कोशिश करो कि आपको वहां से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देखो यार, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिले, अभी बात यह कि जॉब लगनी चाहिए, आपको भी ये चीज पता है। तो सिंपली जहां जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप जाके अप्लाई कर दो। तो रीलेवल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक कर लेना। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। यहां पर अगर बात करें ना, तो NWDA के अंदर जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो सिर्फ सिविल के लिए है। तो अगर आपने डिप्लोमा सिविल में किया हुआ है और डिग्री डिजायरेबल में डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट जूनियर अकाउंटेंट में डिग्री इन कॉमर्स मांगा हुआ है। अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी फील्ड में आपने किया है आप एलिजिबल हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में तो भाई 12th पास मांगा हुआ है। वैसे सिविल वाले यहाँ पे इंटरेस्ट तो ले सकते हैं, और कॉमर्स की सेपरेट वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की। अपर डिवीजन क्लर्क में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इन्होंने कहा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल, ये सब आपको चलाते आना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 23 मई है। आप आराम से अभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी टेस्ट कब होगी वो इन्होंने नहीं बताया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 18 से 27 ईयर्स की एज लिमिट है। बट एक छोटी सी दिक्कत है,
जो आपकी अकाउंटेंट की पोजीशन है ना, वो यहाँ पे डिग्री, वो यहाँ पे अनरिजर्व्ड में अवेलेबल है। बाकी सब में कैसा है, एस सी एस टी में है, ओबीसी में, इस तरीके से। तो अनरिजर्व्ड वालों को छोटी सी दिक्कत आ सकती है, आप वीडियो छोड़ सकते हो, बट मैंने आपको री लेवल के बारे में बताया, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैं नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। सो वैकेंसीज में थोड़ी कम है, यहाँ पे चांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। टेस्ट यहाँ पे है, इन्होंने सीबीटी रखी हुई है 2 घंटे की, और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एंड यहाँ पे जो है 50 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी है तो जितनी वैकेंसी है उससे 50 टाइम्स, और एस सी एस टी वालों के लिए 100 टाइम्स। मतलब एनडब्ल्यूडीए का काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी जैसा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगा। खैर वो तो सबके अपनी मनी मर्जी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं सैलरी की, 35,400 जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि 50 से 55,000 पर मंथ होगा सारे अलाउंस वगैरह ऐड करके, और बाकी सब में 29,200, ये बेसिक पे मैं जो बोल रहा हूँ। आगे अलाउंस वगैरह ऐड करेंगे तो 40 से 45,000 के करीब की तो आपकी सैलरी हो ही जाएगी मंथली, लेकिन उसमें अलाउंस वगैरह सब आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे जो है टेस्ट का सिलेबस इन्होंने नहीं बताया हुआ है, टेस्ट का सिलेबस अगर बताया होगा कहीं पे भी, इन्फॉर्म किया होगा तो मैं अटैच कर दूंगा स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो है। तो एक और छोटी सी दिक्कत भी है, वो बताता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है और वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जनरल ओबीसी वालों के लिए 840 रुपीज़ है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ है। मतलब आपको भी फ़ीस तो पे करनी है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अनरिजर्व्ड के अंदर सिर्फ अकाउंटेंट में ही वैकेंसी है, तो फिर मतलब नहीं है ना बाकी जगह पे फीस पे करके। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कम है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बट अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम और थोड़ी सिचुएशन पॉसिबिलिटी में कम आ रहे हो तो मेरा काम है आपको बताना। तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइडेड आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो भी नोटिफिकेशन में जैसा भी है मुझे जो लगता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। nwda.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट पूछा जाए आप अपलोड कर सकते हो, एंड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने बता दिए। इनफैक्ट अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, एज वेल एज वहीं पे अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी जहां से अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीजें मैंने बता दी है और सारी डिटेल्स आपको भी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ आया होगा। री लेवल के बारे में मैंने जो बताया वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो चेकआउट कर लो और वहां पे रजिस्टर कर लो, वहां पे भी कंपनीज है। मकसद ये कि आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा मिलना चाहिए जो आपको करियर में आगे बढ़ा सके, जॉब मिले या फिर आप कुछ सीख के कुछ अपना स्टार्ट करो, वॉट एवर इट इज, बट आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स किए हुए अटैच, जरूर से चेक कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर से कॉमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए Goodbye, take care.